हमारे दलित समाज के साथ अन्याय हुआ है, हम न्याय लेके रहेंगे। क्योंकि अभी पता चला कि सिर्फ 2 से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, अभी तमाम लोग फरार है। हमारे इस जिला प्रशासन, इस योगी और मोदी की सरकार से यह मांग है कि जितने भी आरोपी है तत्काल गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो इससे भी उग्र आंदोलन करने के लिए हम बाध्य होंगे। यह जो जन सैलाब भरा हुआ है, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल, क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मेरे साथियों, यह सोचना पड़ रहा है कि हम आप इस विषम परिस्थितियों में किस वजह से इस ग्राम पंचायत भवन पे हम सभी युवा तरुणाई मताएं बने, हमारे मताएं बुजुर्ग तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं, सिर्फ यहाँ भाषण देने नहीं, सिर्फ यहाँ भाषण सुनने नहीं, सिर्फ संवेदनाएं व्यक्त करने नहीं, हमको आत्ममंथन करना है, हमको आत्मचिंतन करना है कि वास्तविकता हमको कहाँ लेके जाना है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है कि हम बाबा साहब की रहनुमाई है, जो कहती है कि दलित आदिवासी बहुजन तमाम लोगों के कल्याण की बात करती है, कहती है कि हम बाबा साहब की रहनुमाई है, उनके तमाम दलित बहुजन तमाम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए, क्या यही आगे बढ़ रहे हैं? एक दलित भाई को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, मारा जा रहा है, गोलियों से डराया जा रहा है। तीन जगह, जैसे माननीय महोदय प्रधान जी ने बताने का कार्य किया कि हड्डियां तोड़ने के कार्य कर रहे हैं, यह कैसा भारत है? आपके माननीय कांसीराम अंबेडकर जी ने कहा, यही सपना सोचा था कि जिस सपनों के लिए, जिस भारत को उन सुनहरा आजाद बनाने के लिए तमाम महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, तमाम महापुरुषों ने आजीवन इस देश और भारत के लिए, हम आप सभी के लिए समर्पित हो गया, क्या यह भारत उस जगह आगे है? नहीं मेरे नौजवान साथियों, एक ही शब्द है कि हम बहुत कोसों दूर हैं। बाबा साहेब के सपना वाला भारत से बहुत कोसों दूर है, उन महापुरुषों की सपना से हजारों कोसों दूर है। जब सोचने पे आता है कि हम तो वही पुराया आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आप जहाँ थे वही पुरा विराजमान होइए। इसलिए आपको डराया जा रहा है, आपको धमकाया जा रहा है, शिक्षा से वंचित किया जा रहा है कि आप पढ़ेंगे तो ये आगे बढ़ेंगे, यहाँ पढ़ रहे हैं ये चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं तो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। क्योंकि माननीय और बाबा साहब भी कहे थे कि शिक्षा उसे नहीं का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। एक ही शब्दों से तमाम इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जब हम पढ़ेंगे तो हम नौकरी करेंगे, नौकरी करेंगे तो हम ताकतवर होंगे, जब नौकरी करेंगे तो घर और द्वार तमाम चीज बनवाएंगे, तो फिर किसी ब्राह्मण और तमाम सामंतवादियों की इस जज्बों में, उस उनको खूनों में, रगों में इतनी तजुर्बा नहीं रहेगी, किसी पास ही अपने दलित किसी भी बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार कर सके, कर पाएगा? जब आप मजबूत रहेंगे तो प्रधान जी के पास आके क्यों अत्याचार कर पाए? माननीय प्रधान जी के आगे क्यों अत्याचार कर पाए? जितेंद्र धनराज के ऊपर हमला क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि पता है कि लोग पढ़े हैं, लोग जागरूक हैं, या तुम्हारे ईंट से ईंट को पत्थर से बजाने का कार्य करेंगे, अपना अधिकार को छीनने का काम करेंगे। मेरे नौजवान साथियों, जो यह जज्बा, जो जुनून, यह जज्बात जो बनाए हैं, इसको बनाइए और बाबा साहेब का वास्तविक सपना को साकार करिए। सिर्फ जय भीम कहने से बाबा तेरा मिशन अधूरा कहने से पूरा नहीं हो जाएगा। बाबा साहेब कहे थे कि पढ़िए, संगठित हो, ये संघर्ष करिए। क्या हम अब पढ़ रहे हैं? देख रहे कि वह साथी बस जय 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 भीम का नारा दिनों रात लगा रहा, आप लगाइए, लेकिन उससे पहले आपको पढ़ने की जरूरत है। जब हम पढ़ेंगे तभी हम लड़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे तभी अपने अधिकारों को बात करेंगे, जब हम पढ़ेंगे तभी थाने में FIR उच्च न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तमाम जहां तक हम जा सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, इसीलिए मैं कहता हूँ यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या हुआ, वही
से जल बिगड़ेगा। ना रहो मायूस इन अंधेरों से साथियों, इन्हीं अंधेरों के सामन से तुम्हारा कल बिगड़ेगा। और हम जो हमारे दलित समाज के साथ अन्याय हुआ है, हम न्याय लेके रहेंगे, क्योंकि अभी पता चला कि सिर्फ 2 से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, अभी तमाम लोग फरार हैं। हमारे इस जिला प्रशासन, इस योगी और मोदी की सरकार से यह मांग है कि जितने भी आरोपी हैं तत्काल गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो इससे भी उग्र आंदोलन करने के लिए हम बाध्य होंगे। और भारत के संविधान पर हमला किया जा रहा है। संक्षिप्त शब्दों में कहूंगे, या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, या जन विरोधी सरकार है, या किसान विरोधी सरकार है, या महिला विरोधी सरकार है, या युवा विरोधी सरकार, या दलित विरोधी सरकार है साथियों, ये कभी नहीं सुधरने वाली है। इसको 2022 की विधानसभा से लेके लोकसभा 2024 तक उठा के जब बात रखेंगे, तभी आप संसद पहुंचेंगे, तभी आपकी बातों को माना जाएगा। अपनी बारी को मैं विराम देते हुए कहूंगा कि दोस्तों, जहां पे दूरियां पर पे वहां पे पास लिख देना। शब्दों पे ध्यान रखिएगा मित्रों, शाम को जाके चिंतन करिएगा कि हमारा भारत कहाँ है। मैं तमाम 4 महीने से भ्रमण कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ कक्षा 8 पास हुए 3 लोग हैं, ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ खरीदा की सुविधा नहीं। हमारी आपकी भारत वही फिर पुलवाड़ा जा रहा है, क्योंकि हमने कहा कि शिक्षा 0 फीस बंद कर दिया, तमाम महाविद्यालयों को बंद किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा? यह आत्ममंथन करने की बहुत बड़ी चिंतन की बहुत जरूरी सोच है मित्रों। शाम को आप जाके रात को जरूर सोचिए शिक्षा क्या है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे दूरियां पर पे वहाँ पे पास लिख देना, जहाँ पे दम निकलता हो वहाँ पे सांस लिख देना। तुम्हें उम्मीद भारत की, तुम्हें दिया जो बदल देना, व्यवस्था को नया इतिहास लिख देना, संघर्ष कर देना, इतना अपना न्याय मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी इस्तकबाल, क्रांतिकारी सलाम, आप सभी की जज्बे को मेरा सलाम। जय भीम, जय भारत, जय।